हाल है दोस्तों। और आज कितनी तारीख है बाबू? पता नहीं कितनी तारीख है, लेकिन आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। गाँव से आने के बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया और बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन वीडियोस आ रहे हैं क्योंकि पुराने वीडियोस क्या है मैंने एडिट नहीं किए थे, तो मैं उनको एडिट करके और मैंने डाल दिया। वैसे कल कोई वीडियो नहीं आया, आज आएगा, मतलब ये वाला वीडियो आ ही जाएगा। तो आज है अभी सुबह के बज रहे हैं 12 और मॉर्निंग की जगह मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि गुड आफ्टरनून। और बस खाना वाना खा लिया है हमने, जल्दी उठ गए थे वैसे तो, पर ब्लॉग लेट स्टार्ट किया तो अब खाना वाना खा लिया और तैयार होते हैं। तैयार होकर मेरे को तो ऑफिस जाना है, इनको तो खेल जाना है, तो यहीं रहेंगे बढ़िया मस्त। तो भैया मेरे को तो ऑफिस जाना है, तो मैं ऑफिस जाऊँगा। ऑफिस में अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं शूट करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, पता नहीं। अगर बाहर जाएंगे तो फिर करेंगे, तो तैयार होते हैं। तो बस मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो ऑफिस चलते हैं। ऑफिस का ही काम कर रहा था मैं घर पे भी, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वैसे मैं लेट हो गया पर ऑफिस का ही काम कर रहा था ऑब्वियसली, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, चलते हैं ऑफिस चलते हैं। मैं इससे बड़ी होगी, जाऊँ मैं? निकल निकल यहाँ से, निकल भाग यहाँ से, भाग। तो गाइस मुझे धक्का देके बाहर निकाल दिया। निकल यहाँ से। और क्या सॉलिड धूप है, कपड़े सूख रहे हैं मेरे ये, और क्या मस्त सॉलिड धूप है और यहाँ पे थोड़ी सी छाया है और मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया है और मैं जा रहा हूँ। छोड़ो भैया जाओ, या बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी भयंकर धूप में मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ। क्या बात है, इतनी भयंकर। मैं पहले रुमाल बांधता हूँ फिर उसके बाद फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं डेली ऑफिस पैदल जाता हूँ और मैं हमेशा इसी रास्ते से जाना प्रेफर करता हूँ क्योंकि इस रास्ते में पेड़ है और मुझे थोड़ी सी छाया मिल जाती है यहाँ पर, तो ऑफिस पहुँचने तक ही छाया होती है वैसे तो। और छाया इस ऐसी गर्मी में छाया तो अपने को चाहिए ही चाहिए, अगर ज़रा सी भी छाया नहीं मिले तो भैया इतना लंबा और इतना मतलब इतना लंबा तो क्या कहें, 500 मीटर के डिस्टेंस में है तो आराम से पैदल जाके और पहुंच सकते हैं। पर गर्मी यार जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है अभी 40-42-43 ऐसे कुछ टेम्परेचर होगा और उस टेम्परेचर में पैदल चलना बहुत मुश्किल का काम है। मैं पैदल चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये भी एक बात। तो ये जो पेड़ हैं उनको हमारी लोकल लैंग्वेज में कुणच बोलते हैं और इसमें जो बीज आते हैं उसको हम बचपन में जब मैं नानी के यहाँ पे रहता था तो हम ना उसके बीज को निकाल के एक फली आती है इसकी, मैं दिखाता हूँ कहीं से मिल जाए मेरे को। तो हाँ ये लगे हुए हैं दो, तो ये जो बीज हैं इसके अंदर से बीज निकलते हैं रेड, तो हम ना उनको निकाल के बचपन में बेचते थे इन बीजों को, इसके अंदर जो बीज निकलते हैं उनको। जब मैं नानी के यहाँ पर रहता था तब हम इसके अंदर से बीज निकाल के बेचते थे, उसकी बहुत सेटिस्फेक्टिव आवाज़ आती है ये वाली, इसमें पता नहीं जस्टिस कर रहा है कि नहीं यहाँ पर, ये वाली आवाज़ आती है इसमें। बस मैं ऑफिस पहुँच गया हूँ, ऑफिस आ गया मैं और मैं WTC फाइनल देख रहा हूँ। भैया हम हो गए ऑफिस से फ्री और मैं आया उधर से पैदल था, लेकिन मैं ये वाली स्कूटी लेकर जाऊँगा। सर इसको हमेशा लॉक रखते हैं, सर के साथ जाता हूँ, सर यहाँ से मंदिर जाते हैं तो मेरे घर के उधर से निकल के जाते हैं, तो मैं ये स्कूटी चला के लेके जाता हूँ, सर उधर खड़े हैं। तो अब मैं ऑफिस से घर आ गया।
थे नीचे से, वो पहले मंदिर जाएंगे। और मुझे क्या थोड़ी सी भूख लगी है। मैंने सोचा चोर आ गया। तूने क्या सोचा? चोर आ गया? क्या सोचा तूने? चोर आ गया घर में। क्यों? मेरे जूते नहीं देखे तुमने? ना, हमने सीधे अंदर ऊपर ही देखा फिर हाथ ऐसे ऐसे। मैंने कहा चोर तो नहीं। अच्छा, चोर बोलती है मेरे को, चोर बोलती है। तो अभी मेरे को भूख लगी है तो मैं जा रहा हूँ मैगी लेने, सॉरी मैगी नहीं, मैं नूडल्स लेने जा रहा हूँ यूपी के। मैगी के ज़्यादा ज़्यादा सही नहीं लगते, तो मैं यूपी के नूडल्स खाता हूँ, मस्त उनका टेस्ट मस्त है। क्या हो रहा है? पास में शॉप है, वहाँ से मैं नूडल्स लेके वापस के लिए, वापस घर के लिए आ जाऊँगा। बस इतना ही था। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिर्फ यूपी लेने जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ यूपी लेके आऊँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉप नहीं खुली हुई है तो मुझे और आगे जाना पड़ेगा। वैसे मैं पैदल आया हूँ और मेरे को और आगे जाना पड़ेगा, तो पता नहीं क्या खुली हुई है, बस कोई है नहीं यहाँ पे, वो शॉप बंद है। अब मुझे उसके लिए आगे जाना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूँ सिराज भाई के पास, शायद उनकी शॉप खुली हो, फिर उनकी नहीं खुली होगी तो और आगे चले जाएंगे। बस तो मैगी ज़रूर खानी है आज। अरे यार, मैं बार बार क्या मैगी बोल रहा हूँ, तो ये भी ज़रूर से खानी है आज। भैया किस्मत ही ख़राब है आज। भैया दो यूपी दे दो। जिस शॉप के लिए मैं आया था वो तो बंद थी, और उसके सामने वाली जी, उसके जस्ट सामने वाली एक और शॉप थी जो खुली हुई थी, तो मुझे वहाँ से मैंने नूडल्स मिल गए और पास में से ही मैंने सब्जियाँ वगैरह भी ले ली। तो बस अब मैं वापस घर के लिए चलता हूँ भैया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क हो गया मेरी, सुबह ऑफिस गया फिर अभी इधर आया, तो ज़्यादा तो क्या ही कह सकते हैं, देखना पड़ेगा। तो भैया हमारी मैगी रेडी है, तो भाई साहब हमारी मैगी रेडी है और खाने वाले तैयार हैं बिल्कुल। ये भी ये अभी रील्स बना रही थी भैया। चलो ठीक, तो हमने मैगी वगैरह खा ली है और मैं वीडियो एडिट करता हूँ, मतलब जितनी क्लिप्स बन गई है उतनी एडिट करता हूँ, और साथ में मैं साथ के साथ ही मैं मैच भी देख रहा हूँ, तो वो भी हो जाएगा। जब मैं मैच देख रहा हूँ तब मैं पढ़ूँगा नहीं, ये भी है। बाकी हाँ, मैं जैसे मेरा टाइम होगा पढ़ने का मैं मैच बंद करूँगा सीधे से और मैं पढ़ने चला जाऊँगा। तो अब तक मैं मैच देख देखते वीडियो एडिट कर लेता हूँ, कल वीडियो भी तो डालनी है यार, आज रह गया। तो अभी अगर कहीं बाहर जाएंगे तो मैं फिर से शूट करूँगा ऑब्वियसली, और डाल दूँगा, जुड़ जाएगी इधर उधर, सो हो जाता है इधर। तो मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। चलो मैं यहाँ बैठा हूँ और ये मैंने ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, हमने मैच चला लिया है, तो करते हैं अब अपना काम। डाली को पानी कहाँ चली गई है? अच्छा तू बात कर रही है इधर, मैं सोच रहा हूँ कि तू गई कहाँ। कर ले तू मम्मी को बात। इधर आती नहीं तो होती हूँ। हेलो। हाँ मम्मी, मम्मी का फ़ोन। हाँ मम्मी, कहीं नहीं कर रहे? नहीं है मजा में। आगे कुछ सामान ख़त्म हो गया तब लेने, भैया तो है नहीं। अंकल जी नमस्ते, घूम के देख लेने कुछ लेना है क्या इसमें यहाँ से। लालू इधर बिस्किट वाला सेक्शन कुछ लेना है? हाँ मुझे ज़रूर से लेना है। नहीं नहीं हाँ, तो मुझे ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं ये ले रहा हूँ, फ्रेंड्स ले रहा हूँ, और एक मेज फाइव फ्रेंड्स ले रहा हूँ, बस और कुछ लेना नहीं है मैंने, बाकी सब हो गया। अंदर अंकल जी ने हमारी शॉप सोया चंद और ये ला ली, क्या चाहिए उसको कुछ लेना है? ये हाँ ये नमकीन बिस्किट चाहिए था तेरे को, अभी मुझे नहीं पता भैया इसको क्या चाहिए।
मैं ये लूँगा, उसने अपने लिए लिया और मैं अपने लिए ये लूँगा, ठीक है। ये कितने का है? नहीं ये थोड़ा ज़्यादा का। हाँ ये कितने का अंकल जी? तारीख देख लेना बेटा। जी अंकल जी, उनके अंकल जी हैं। नहीं नहीं अंकल जी, हाँ भाई अंकल जी बोल रहे हैं कि डेट देख लेना कि उसमें जो भी तुम लोग खरीद रहे हो उसमें डेट देख लेना। यहाँ सही बोल रहे हैं वैसे वो। कोल्ड ड्रिंक कोल्ड लिया। तो भैया अब फाइनल क्लोजिंग हो रही है क्योंकि हम मार्केट जाना था, हमने मार्केट से हम सारे सामान लेके आ गए और सामान लेके आ क्या बोलता हूँ मैं यार तो मार्केट से हमने जो जो भी सामान लेके आना था वो मैं लेके आ गया। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही, बहुत करते हैं। अब आगे का जो है वो अगले ब्लॉग में, अगला दिन, अगला ब्लॉग, अगला वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को, कर देना यार।